Okay guys, we are going to start fix overhead variances in standard costing. Fix overhead के variances discuss करें, इससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि fix overheads क्या हैं. जब मैंने बोला ओवरहेड्स तो मतलब क्या हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या, ऐसे खर्चे जिनको हम प्रोडक्ट की हर यूनिट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी इन खर्चों का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. या तो ये खर्चे एक समय विशेष के लिए खर्च होते हैं जिनको हम पीरियडिक कॉस्ट बोलते हैं, या ये खर्चे एक एक्टिविटी विशेष के ऊपर खर्च किए जाते हैं जिनको हम एक्टिविटी लेवल कॉस्ट बोलते हैं. यानी उस एक्टिविटी लेवल के अंदर हम एक यूनिट बनाएं या उस एक्टिविटी की जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतनी यूनिट्स कुछ भी बनाते हैं तो भी खर्चा कॉन्स्टेंट रहेगा. तो ओवरहेड्स में वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स ओवरहेड्स. फिक्स ओवरहेड्स मतलब ऐसी कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी. मतलब अगर मेरी कैपेसिटी से 10,000 यूनिट्स की है और मेरी फिक्स फैक्ट्री के खर्चे से 2,00,000 रुपए हैं तो अगर मेरा प्रोडक्शन एक यूनिट से लेकर 10,000 यूनिट्स के बीच में कहीं पर भी होगा, मेरी कॉस्ट कितनी बेटा 2,00,000 रुपीस खर्च होगी. तो मतलब ये हुआ कि जब हम फिक्स ओवरहेड के रिस्पेक्ट में वेरियंस का कैलकुलेशन करेंगे और अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट या अपन बोल सकते हैं बजटेड आउटपुट से वेरी करेगा तो उस समय हमें कोई रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी जैसे कि हम मटेरियल और लेबर के लिए बनाते हैं. यानी यहाँ पर हमें कोई रिवाइज स्टैंडर्ड नहीं चाहिए. नो रिवाइज स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, क्योंकि हम जिस खर्चे की बात कर रहे हैं वो खर्चा हमारी यूनिट्स के बैरी होने पर चेंज नहीं होगा. तो फिर सर सवाल उठेगा कि कैसे हम फिक्स ओवरहेड को प्रोडक्ट पर चार्ज करेंगे. तो इसके लिए अपने को याद करना पड़ेगा हमारा एक चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, ओवरहेड्स. और ओवरहेड्स में क्या बोला गया था कि जब हम इनडायरेक्ट खर्चे अपनी फैक्ट्री में खर्च करते हैं तो ये इनडायरेक्ट खर्चे, मैंने इनडायरेक्ट बोल दिया तो मतलब सिंपल बात हो गई कि प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है. तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चों की. तो इनडायरेक्ट खर्चे जो मैं फैक्ट्री में खर्च कर रहा हूँ वो किसी एक प्रोडक्ट विशेष के लिए खर्च ना किया जाकर मैं उसको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पर कॉमनली खर्च कर रहा हूँ और इसलिए उसको मैं रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाऊँ या बी बनाऊँ या दोनों बनाऊँ, किसी भी कॉम्बिनेशन में बनाऊँ, किसी भी क्वांटिटी की मैं बनाऊँ, मेरी कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट रहने वाली है. इसलिए वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं मेनली, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली फैक्ट्री ओवरहेड. तो जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे हैं, दे आर फैसिलिटी कॉस्ट रैदर देन प्रोडक्ट कॉस्ट.
और इसीलिए अगर हम इन खर्चों को प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी कि हम इन खर्चों को प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर पाएँ। अब जैसे मैंने बोला कि सर जनरल लाइटिंग है, प्रोडक्ट ए बने या बी बने, लाइट तो जलना है फैक्ट्री में, और लाइट चलेगी तो खर्चा तो हो रहा है, लेकिन उसको मैं प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिव यूनिट के साथ आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊँगा? निश्चित नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये बोल सकूँ कि सर ये जो लाइटिंग का खर्चा हुआ ये मेरे मशीनिंग डिपार्टमेंट में हुआ है, तो यस मैं उसको मशीनिंग डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। या मैं बोलूँ कि ये जो डेप्रिसिएशन खर्चा हुआ है मेरी फैक्ट्री के अंदर, ये असेंबली डिपार्टमेंट में लगे हुए इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। किराया जब मैं प्रोडक्ट की एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं किराए को मेरी फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ तो शायद मैं कर पाऊँगा। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये कैसे खर्चे हैं? फैसिलिटीज के खर्चे हैं, ना कि प्रोडक्ट के खर्चे। तो इन खर्चों को क्या किया जाए? फैसिलिटीज के साथ आइडेंटिफाई किया जाए। तो सर क्या इनडायरेक्ट खर्चों को जिन्हें हम फैसिलिटीज के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसका कोई और टेक्निकल नाम है? तो हमने कहा हाँ सर बिल्कुल है। फैसिलिटीज को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब क्या? अ पर्सन, अ प्लेस और अ मशीन ऑन विच इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट पर सीधे चार्ज ना करते हुए कॉस्ट सेंटर के माध्यम से चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो हमने बोला कि सर उसके लिए अपन ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये मेरी एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में मैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा हूँ। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैं अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूँ और उसके लिए मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि दिस इज माई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन, इट इज़ माई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू, इट इज़ माई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री, वी हैव सम सर्विस डिपार्टमेंट ऑल्सो। सर्विस डिपार्टमेंट मतलब क्या? तो ऐसे डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बनाने वाले डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएँ देते हैं रैदर देन वो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब मैंने अपनी फैक्ट्री को अलग अलग फंक्शंस में सब डिवाइड कर लिया। से प्रोडक्शन वन इज माई मशीनिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन टू इज माई असेंबली डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन थ्री इज माई पैकिंग डिपार्टमेंट, S1 सर्विस डिपार्टमेंट, वन इज माई स्टोर्स डिपार्टमेंट, S2 इज माई कैंटीन डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्हीं को ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट सेंटर कहेंगे। कॉस्ट सेंटर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम क्या करें? तो अब हम एक टेक्निक ऑफ कॉस्ट फॉलो करते हैं। क्या नाम है उस टेक्निक का? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या अवशोषण लागत टेक्निक ऑफ कॉस्ट, जो हमें ये बताती है कि कैसे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री में जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं हम उन अलग अलग स्थानों को या उस स्थान में लगी हुई अलग अलग मशीनों को कॉस्ट सेंटर माने। कॉस्ट सेंटर माने मतलब जहाँ पर कॉस्ट को इकट्ठा कर सकें, और इन कॉस्ट सेंटर्स पर अपनी फैक्ट्री के तमाम खर्चों को इकट्ठा कर लें। कैसे करें सर? तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि सर हम सबसे पहले कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनका अलोकेशन करेंगे, कुछ खर्चे होंगे जिनका अपोर्शनमेंट किया जाएगा। अलोकेबल खर्चे मतलब क्या? ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट के लिए तो इनडायरेक्ट हैं लेकिन डिपार्टमेंट विशेष के साथ उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के मैनेजर की सैलरी, प्रोडक्ट के लिए तो इनडायरेक्ट है क्योंकि उस डिपार्टमेंट में चार प्रोडक्ट बन रहे हैं,
लेकिन उस मैनेजर की सैलरी को उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ हम जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे खर्चे हैं जिनको हम प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट सेंटर्स के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अलोकेबल एक्सपेंसेस। वो पूरे खर्चे उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पर हम चार्ज कर देंगे। ठीक है सर, फिर अगले खर्चे कैसे हैं, अपोर्शनेबल। अपोर्शनेबल खर्चे मतलब क्या, तो ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट के लिए तो इनडायरेक्ट थे ही, डिपार्टमेंट के लिए भी इनडायरेक्ट है। मतलब सर, जैसे मेरी फैक्ट्री का किराया, किराया मैं किसी डिपार्टमेंट विशेष के लिए पे नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी फैक्ट्री के लिए पे कर रहा हूँ, तो किराया मेरे प्रोडक्ट के लिए तो इनडायरेक्ट था ही, कॉस्ट सेंटर के लिए भी इनडायरेक्ट हो गया। तो अब क्या किया जाए, तो इन खर्चों को हम एक उचित आधार पर, रैशनल बेसिस पर, इन अलग अलग कॉस्ट सेंटर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉस्टिंग में उसी को क्या बोलेंगे हम, अपोर्शन करेंगे। अपोर्शन मतलब बांटेंगे। उचित आधार क्या हो सकता है, तो सर ये जो खर्चा है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने बोला किराया, रेंट, रेंट किसके लिए लग रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाई की गई है उसके लिए लग रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट कंसर्न ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसके लिए या उस रेशो में हम इन खर्चों को, इस किराए को इन डिपार्टमेंट्स के बीच बांट देते हैं। जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग और पावर, दो अलग अलग चीज़ें। पावर जिससे वो मशीन चल रही है, जनरल लाइटिंग जिससे इस पूरी फैक्ट्री में लाइट आ रही है, रोशनी हो रही है। तो जनरल लाइटिंग के लिए बेस्ट क्या है, देख लें भाई कि P1 में कितने स्विचेस लगे हैं, P2 में कितने स्विचेस लगे हैं, P3 में कितने लाइट पॉइंट्स हैं, S1 में कितने लाइट पॉइंट्स हैं, S2 में कितने लाइट पॉइंट्स हैं। अगर ये पता है तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के बेसिस बांट दें, और अगर ये नहीं पता है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि सभी डिपार्टमेंट्स में हमने एक स्टैंडर्ड डिफरेंस से, डिस्टेंस से लाइटिंग पॉइंट लगाए होंगे। तो जितनी जितनी जगह, जितनी जितने एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई की हैं, उसके अनुपात में, उसके रेशो में, उस प्रोपोर्शन में आप इस खर्चे को बांट सकते हैं। डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ असेट्स के बेस पर, फैक्ट्री शेड का डेप्रिसिएशन एरिया ऑक्यूपाइड के बेस पर। तो ये अलग अलग आधार होंगे जिसके बेसिस पर हम अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को, अपोर्शनेबल कॉस्ट को इन सभी डिपार्टमेंट के बीच बांट देंगे। एंड बिलीव मी बेटा, इन दो एक्टिविटीज से ही आप अपनी पूरी फैक्ट्री के तमाम खर्चों को इन कॉस्ट सेंटर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा या तो अलोकेबल होगा या वो अपोर्शनेबल होगा। और अगर आपने अलोकेशन और अपोर्शनमेंट दोनों कर लिए हैं तो फैक्ट्री के तमाम खर्चे आप एक्यूमुलेट कर चुके हैं। अब ये तो आपने एक्यूमुलेट कर लिए, लेकिन यहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली एंगेज नहीं है। अब जैसे मैंने बोला कि हमारी कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए बनाना हो, बी बनाना हो या सी बनाना हो, तीनों को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोसेस वन में भेजना पड़ता है, जहाँ पर इसकी बेसिक प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट पहुँच जाता है प्रोसेस 2 में, जहाँ से फिर थोड़ा सा मटेरियल स्टोर से आता है, प्रोसेसिंग होती है, 3 में चला जाता है, और 3 से बन के बाहर चला जाता है। तो प्रोडक्ट को बनाने में ये 3 डिपार्टमेंट एंगेज रहे, जबकि ये 2 डिपार्टमेंट एंगेज ही नहीं रहे। तो अब इन 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो टोटल कॉस्ट इकट्ठी हुई है, उनका क्या किया जाए, उन्हें कैसे प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाए, जबकि इनका प्रोडक्ट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो फिर अपन एक काम करते हैं, कॉस्टिंग का एक बेसिक रूल है कि जो बेनिफिट उठाएगा, जो बेनिफिट लेगा, जो सर्विसेज लेगा, उसे कॉस्ट उठाना पड़ेगी। जैसे ये 3 प्रोडक्ट इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, तो इन 3 प्रोडक्ट्स को इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों को उठाना होगा। वैसे ही इन सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट प्रोडक्ट ले रहा है या डिपार्टमेंट, तो आंसर आया सर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले रहा है। तो क्यों ना इन डिपार्टमेंट्स, इन सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चों को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बीच बांटते हैं। तो जब हम इन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच बांटेंगे, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, री अपोर्शनमेंट। इस रीअपोर्शनमेंट के हमारे पास
तीन अप्रोचेस होते हैं। पहला, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही अपनी सेवाएं दे रहा है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। जब हम ये मानते हैं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सेवाएं दे ही रहा है, साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सेवाएं दे तो रहा है लेकिन उससे रिवर्ट में कोई सेवाएं ले नहीं रहा है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिप्रोकल। यानी यहाँ से सर्विसेज जा तो रही हैं लेकिन लौट कर सर्विसेज आ नहीं रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिप्रोकल। और तीसरी अप्रोच क्या होगी, जहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं लेकिन साथ साथ वो एक दूसरे को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें हम आपस में बांटेंगे, इनके खर्चों को आपस में बांटेंगे और प्रोडक्शन पर बांटेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी ओवरहेड्स में डिस्कस कर रखी हैं, तो आज हमको ओवरहेड डिस्कस नहीं करना है, हमको क्या डिस्कस करना है, फिक्स ओवरहेड वेरियंस इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो उसके लिए हम ये सिर्फ बेस बना रहे हैं कि कैसे हम अपनी फैक्ट्री के खर्चों को अपने प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे एक्यूमुलेट करते हैं। रीअपोर्शनमेंट के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट आएगी हम उसको क्या बोलेंगे, रिकवरेबल ओवरहेड्स। रिकवरेबल क्यों, क्योंकि खर्चा तो होगा, अगर आप इंडस्ट्री में हैं, अगर आपकी फैक्ट्री स्टार्ट है तो आपको ये खर्चे तो करने पड़ेंगे, चाहे आप एक यूनिट बनाएं, चाहे 10 बनाएं, चाहे 100 बनाएं, प्रोडक्ट ए बनाएं, बी बनाएं, या सी बनाएं, या सभी बनाएं, तो इन खर्चों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इन खर्चों को काम करके रिकवर कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। तो सर इन खर्चों को कैसे वसूल किया जाएगा, तो हमने पहले ही बोला कि फिक्स खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे कौन से खर्चे हैं, दे आर फैसिलिटी कॉस्ट। और अगर ये फैसिलिटी के खर्चे हैं तो हम बोल सकते हैं कि कोई ना कोई फैसिलिटी होगी जिसके द्वारा आप इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को मेज़र कर सकेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि P1 इस मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर मेजर काम मशीनें कर रही हैं, तो इसका मतलब इस डिपार्टमेंट के खर्चे तभी रिकवर होंगे जब मशीनें चलेंगी, क्योंकि मशीन चलना आवश्यक है, मशीन चलेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, डजंट मैटर प्रोडक्ट ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट को इसे भी बनाना हो मशीन तो चलाना पड़ेगी, तो मशीन चलेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो ये खर्चे जो होना ही होना है आप उनको वसूल कर सकोगे। तो हमें क्या करना होगा, इन अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स के जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। मेजरली तीन डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं जिनका हम यूज़ रिकवरी रेट्स में कर सकते हैं। आई होप आपको याद आ रहा है, अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं रिकवरी रेट्स। तो रिकवरी रेट्स के लिए जैसे हमने बोला कि P1 इस मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, तो से इस डिपार्टमेंट के खर्चे अगर 200,000 हैं और इस डिपार्टमेंट में हम ड्यूरिंग द ईयर 20,000 आवर्स मशीन को रन करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये 200,000 रुपये के खर्चे कब वसूल होंगे, जब हम 20,000 आवर्स मशीन रन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम एक आर मशीन को रन करेंगे हमारे 10 रुपी पर आर वसूल होंगे। तो अब हमारी मशीन जब जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक आर चलेगी, हमारे खर्चे 10 रुपए से रिकवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट ए को P1 में कितना समय चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। हमने बोला प्रोडक्ट ए बताओ आपको एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय चाहिए इस डिपार्टमेंट में। अब अगर प्रोडक्ट ए बोलता है कि सर आई नीड 3 आवर्स, तो हमने बोला ओके यू आर गेटिंग और यू आर टेकिंग सर्विसेज ऑफ 3 आवर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट P1, एंड वेन एवर मशीन इन डिपार्टमेंट P1 रन फॉर 1 आवर वी रिकवर आर कॉस्ट बाय ₹10। सो वेन एवर आपकी एक यूनिट बनेगी आप पर ₹30 का ओवरहेड चार्ज कर दिया जाएगा, चार्ज कर दिया जाएगा बोलें, रिकवर कर लिया जाएगा बोलें, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अप्लाई कर लिया जाएगा, ये सब कॉमन शब्द है, सिनोमिनस है। तो हमने क्या निकाल लिया, बेसिकली स्टैंडर्डाइज कर लिया कि आज के बाद जब जब प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनेगी हम ए पर ₹30 से ओवरहेड वसूल करेंगे। क्या ये समझा पाया हमें? अच्छा, ऐसे ही फिर एक और तरीका होता है कि अगर मेरा कोई डिपार्टमेंट लेबर ओरिएंटेड है, लेबर ओरिएंटेड मतलब जहाँ पर मेजर काम मशीन नहीं कर रही बल्कि लेबर कर रहा है, तो वहाँ पर आपके खर्चे कब वसूल होंगे, जब लेबर काम करेगा। तो लेबर काम करेगा तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लेबर आर के बेस पर ओवरहेड रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में काम लेबर ही मेन कर रहा है लेकिन एक से ज़्यादा तरह के लेबर है जिनकी एफिशिएंसी अलग अलग है, तो अब सभी के आर्स को तो आप एज इट इज़ टोटल करके डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते,
तो फिर वहाँ पर क्या किया जाए? तो हमने बोला कि अलग अलग तरह के लेबर हैं, अलग अलग एफिशिएंसी के लेबर हैं, अलग अलग स्किल्स के लेबर हैं, तो उनकी वेजेस भी अलग अलग होंगे। लेबर काम करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो खर्चे वसूल होंगे, और इसी दौरान लेबर को काम करने के लिए वेजेस मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि वेजेस वर्कर को कम मिल रही है जब वो काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो मेरे खर्चे वसूल हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसकी वेजेस के बेसिस पर अपने ओवरहेड रिकवर कर लूँ। तो फिर ऐसी जगह पर हम वेजेस के बेस पर ओवरहेड रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे अलग अलग रिकवरी रेट्स हैं, इनका उपयोग करके हम इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। हालांकि रिकवरी रेट्स और भी हैं, लेकिन मेजरली तीन रिकवरी रेट्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। दे आर मशीन आर रेट, लेबर आर और वेजेस। और भी हैं, जैसे बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट, बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, बेस्ड ऑन आउटपुट। अगर ये पूरा फैक्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरी मशीनरी, पूरे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं, तो आप इस पूरे डिपार्टमेंट को एक सिंगल रेट से रिकवर कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैंकेट रेट ऑफ रिकवरी। खैर, मुझे जो आपको ये बातें सब बताई जो मैंने आपको, वो मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इन्हीं बातों को हमें यूज़ करते हुए फिक्स ओवर रेट के वेरियंसेस डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम ऐसे ही रिकवरी रेट्स का इस्तेमाल करते हुए ओवरहेड रिकवर्ड कैलकुलेट करेंगे और उसे एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करेंगे। तो ओवरहेड चैप्टर में तो हम इसको क्या बोलते थे? अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। अब बस वही अंडर ओवर रिकवरी हमको यहाँ निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमको उनका नाम चेंज कर देना है। और नाम क्या रखना है? फेवरेबल और एडवर्स वेरियंस। तो चलिए हम फिक्स ओवरहेड के वेरियंसेस स्टार्ट करते हैं। फिक्स ओवरहेड के वेरियंसेस में